राहुल, गुरुनाम जी किस चीज को लेकर बैठक थी और क्या जो अधिकारियों ने आपको कहा, अधिकारियों से आपने अधिकारियों क्या कहा? देखिए, बैठक थी कि जो कोरोना है उसके टीके लगवाने हैं, उसकी टेस्टिंग करनी है, इस मुद्दे पे थी। कोरोना बहुत फैल रहा है तो हमने कहा है कि टेस्टिंग तो हम करवाएंगे ही नहीं। जो बीमार होगा वो अपनी मर्जी से कराए ना कराए अलग बात है, लेकिन आप कहें कि रूटीन से हम सबका टेस्ट करेंगे वो तो हम करवाएंगे। और टीके लगवाने की बात है कि टीके आप अपनी मर्जी से जो भी वहाँ लगवाना चाहेगा वो लगवा लेगा, ये नहीं है कि टीके भी आप रूटीन से लगाओ, अपनी मर्जी से जिसका दिल करेगा वो लगवा। गुरु नाम जी गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसान इनकार करेंगे हम तब भी वैक्सीन भी लगाएंगे और कोरोना टेस्ट भी करेंगे। जबरदस्ती आगे देख ले, फिर अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर घुसने भी नहीं देंगे। फिर ये है शराफत का, तो ये है कि जो लगवाना चाहे वो लगवा ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर ये जबरदस्ती लगाना चाहें फिर नहीं। क्यों? क्योंकि 5 महीने में 5 धरनों पे एक भी डेथ कोरोना से नहीं हुई। दूसरी बात, अगर हम ये मान लें कि कोरोना है तो फिर भी वो महामारी नहीं है, क्योंकि जो सरकार के आंकड़े, जो विदेशों से आंकड़े जो आ रहे हैं वो ये है कि 2% डेथ है। अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें 2% भी डेथ नहीं है, इसलिए इसको महामारी कैसे कह दिया? महामारी तो तब है कि जिसको कोरोना हो गया वो मरेगा ही, तब वो महामारी है। जिसमें 2% डेथ है वो तो महामारी है ही नहीं। बहुत से लोगों में तो आगे अपना मर जाता है, उनके शरीर में इतनी कैपेसिटी है कि उनको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। इतनी हल्का सा है तो कुछ है ही नहीं, अगर मान ले के है तो भी कुछ नहीं है। तो इसलिए जबरदस्ती तो कोई की नहीं जाएगी, ना हम होने देंगे, लेकिन ये जो इतना बताया है कि कोई लगवाना चाहे तो लगवा ले। थैंक यू जी सर। आपकी तरफ से